जियो स्टेशनरी और पोलर इसके बारे में लिखने को आता है स्कूल में, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल लिख लेना। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या है? जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वो सेटेलाइट है जिसका रेवोल्यूशन घूमने का तरीका अर्थ के घूमने के साथ है, और अर्थ का घूमना कैसा है? वैसे ईस्ट। तो सेटेलाइट भी कैसे घूमेगी? वैसे ईस्ट। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इसकी हाइट जो है 36,000 किलोमीटर के आसपास है, जो नजदीक नहीं है, अच्छी खासी दूर है। नेक्स्ट, हाँ काफी ज्यादा है। तो नेक्स्ट है, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी सिर्फ 3.1 है, तो क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है ना, तो 3.1 के आसपास है, और टाइम पीरियड इसका 24 आवर्स है। नेक्स्ट है, इसमें पोलर सेटेलाइट के बारे में लिखने को आएगा, तो इट रिवॉल्व अराउंड द पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। पोलर ऑर्बिट का मतलब पोल्स, पोल्स के क्रॉस मूव करती है। पोलर सेटेलाइट्स आर लो ऑल्टीट्यूड सेटेलाइट, ये काफ़ी नीचे होती हैं और 500 से सिर्फ 800 किलोमीटर तक होती हैं, काफ़ी नीचे हैं ये। दे गो अराउंड द पोल्स ऑफ अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, अंडरलाइन कर लेना जो लिखने को आएगा, डायरेक्शन मेंशन कर देना, नॉर्थ से साउथ है। टाइम पीरियड सिर्फ 100 मिनट है, 100 मिनट के आसपास है इसका, ठीक। 36,000 किलोमीटर पे 24 घंटे हैं, इसका तो फिर मिनट में ही आएगा ना, ठीक, तो 100 मिनट है। ये टॉपिक जो है मैथ्स वालों के कैटेगरी में है, जिसमें ये बताया गया कि जो केपलर लॉ है उसमें सन जो है वो फोकस पे है, और अगर सन फोकस पे है और अर्थ घूम रही है, तो अर्थ सन के पास सबसे पास यहाँ पे है, सबसे दूर वहाँ पे है। जो सबसे पास है उस पॉइंट को पेरिजी बोलते हैं, मतलब फिजिक्स वालों को ये काम है बताना, इस पॉइंट को पेरिजी बोलते हैं, और सबसे दूर के पॉइंट को क्या बोलते हैं? अपोजी बोलते हैं। याद करने का तरीका, पी फॉर पेरिजी, पी फॉर पास, पास होना, तो पी फॉर पास है तो पेरिजी है, और बाकी दूसरा अपोजी है, सबसे दूर का पॉइंट है। क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बोल देता है कि पेरिजी पे वेलोसिटी निकालो, अपोजी पे वेलोसिटी निकालो, पेरिजी अपोजी पता होगा तब तो निकालोगे, इसे नोट कर लेना। ये मैथ वालों का काम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नॉन मेडिकल, मेडिकल तो देखे भी मत, जरूरत ही नहीं है, और एनसीईआरटी वालों को भी कोई जरूरत नहीं है, सेंट्रिसिटी, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में आपको करवाया जाएगा।